दरभंगा जिला से सटे सदर प्रखंड मुख्यालय में महीनों से जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। यहां लोग दूर दराज से अपनी समस्या को लेकर के अधिकारी एवं कार्यालय में आते हैं, लेकिन उन्हें जल जमाव से काफी परेशानी हो रही है। ठंड के मौसम में यह कपड़े भी भीग जाते हैं और जूता चप्पल निकाल कर अंदर जाते हैं। कुछ लोग गिर भी गए हैं जिन्हें काफी समस्या हुई है। बता दें कि दरभंगा शहर से बिल्कुल सटा हुआ प्रखंड सदर प्रखंड मुख्यालय जो कई महीनों से जल जमाव की समस्या को झेल रहा है। देखिए, ये प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय है। यहाँ से पूरे प्रखंड के किस तरह से विकास करना है उसकी नीति निर्धारण होती है और पूरे प्रखंड का विकास यहीं से सुनिश्चित होता है, लेकिन वह जगह खुद अपने विकास के लिए तरस रहा है। यह प्रखंड जो सदर प्रखंड है दरभंगा का, यह लगातार पूरे बारिश के महीने में जल जमाव से तो ग्रसित रहता ही है, लेकिन जब अभी बरसात नहीं है उस समय में भी यहाँ जल जमाव निश्चित तौर पर यह सरकार की निकम्मी व्यवस्था को दर्शाती है। और जब भी कोई लोग जो अपने काम किसी भी कार्य को लेकर ब्लॉक पर आते हैं तो उन्हें पूरे अपने कपड़े को मोड़ कर घुटने तक ले जाके इस पानी में तैर कर उनको जाना पड़ता है। और यह पानी जो है यह एकदम दूषित पानी है जिस होकर लोग को जाने में कई बीमारियों की शंका हो सकती है, तब पर भी काम के लिए लोग जाते हैं क्योंकि यह प्रखंड का कार्यालय है। RTPS काउंटर यहाँ है, CO का दफ्तर है, BDO का दफ्तर है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जब भी इस ब्लॉक के अंदर जल जमाव की स्थिति बनती है तब इस यहाँ के पदाधिकारी इस ब्लॉक के अंदर नहीं आते हैं और अपने घर से ही ब्लॉक को चलाने का काम करते हैं। और आप देख रहे हैं कि यह बरसात के दौरान तो 3 से 4 महीना इस ब्लॉक में लोगों का आवाजाहन बाधित रहता ही है। अभी जो बरसात का महीना नहीं है, इस महीने के अंदर कहीं भी जल जमाव निश्चित तौर पर एक बड़ी आश्चर्यजनक बात होती है। उस दौर में इस ब्लॉक पर जल जमाव या सरकार की जो निकम्मी व्यवस्था है, जो अदुरुस्त व्यवस्था है, व्यवस्था में जो नाकामियाँ हैं उसको दर्शा रही है। क्या लगता है समस्या होती है? जनता तो पदाधिकारी से मिलने के लिए आते हैं, उनको कई तरह की तकलीफें होती है, उस तकलीफ को लेकर लोग ब्लॉक पर आते हैं। कोई घूमने की जगह नहीं है ब्लॉक, कई तरह के जो कागजात लोग बनवाने के लिए आते हैं अपने से रिलेटेड, लेकिन उस दौर में इस तरह की जो व्यवस्था रहती है जल जमाव की हो, पदाधिकारी नहीं, RTPS काउंटर पर कर्मचारी समय से नहीं पहुँचते हैं, इन तमाम चीज़ों में सिर्फ तकलीफ जनता को होती है। सरकार को इस पर गंभीर रूप से सोचना चाहिए, यहाँ के DM को भी इस पर सोचना चाहिए, जो ब्लॉक के पदाधिकारी जिला से जो प्रभारी पदाधिकारी होते हैं उन्हें भी इस समस्या पर गंभीर होना चाहिए और इस जल जमाव का स्थायी निदान कर जनता के लिए इस ब्लॉक को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको प्रतिबद्ध होना चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं ना, इसीलिए सदर प्रखंड जो प्रमंडल से इतना सटा हुआ प्रखंड है उस दौर में भी सदर प्रखंड के अंदर जो विकास की स्थिति आप देखिएगा, सदर प्रखंड के जो प्रखंड के बगल के गांव की स्थिति देखिएगा, तब आपको नज़र आएगा कि इस ब्लॉक में विकास नाम का कोई चीज़ ही आज तक नहीं हुआ, विकास नाम का कोई कार्य ही आज तक नहीं हुआ। इसी का निकम्मी व्यवस्था के कारण आज यह भी जो पंचायत के अंदर आता है उस पंचायत के अंदर भी जब आप देखिएगा प्रखंड का स्थिति तो आपको पूरा परिदृश्य आपके सामने होगा कि निश्चित तौर पर यहाँ जब प्रखंड का ही विकास संभव नहीं है तो पंचायतों के अंदर गाँव के अंदर विकास निश्चित तौर पर संभव नहीं हो सकता है। देखिए, यहाँ जो आए थे आवासीय जाति बनाने के लिए आए हुए थे, लेकिन यहाँ का जो वातावरण देखे, BDO साहब गायब है, CO साहब गायब है, RTPS में 1 से 2 आदमी आया हुआ है, इसके कारण जो है आवासीय जाति बनने में भी दिक्कत है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ महिला को साड़ी उठा के जाना पड़ता है, वो एक बहुत गंभीर बीमारी है ये। और तीसरा बात ये कहेंगे सर, इस प्रखंड में जहाँ विकास होना चाहिए वो कुछ खुद विकास के लिए तरस रहा है। और आप नज़र उठा के देख लीजिए, ये पूर्णिया जिला का हालत लग रहा है, ये सदर प्रखंड लग रहा है कि हम पूर्णिया जिला में जो है देहात में आके बस गए हैं, लेकिन BDO साहब का कोई काम नहीं है, वो आते ही नहीं है। वो आते हैं गाड़ी सटा के लगा दे तो उतर के भाग जा रहा है सिर्फ 5 मिनट के लिए। यहाँ जन्म पत्री के लिए एक बार दे दिए तो उसको चिंता भूल जाइए कि 6 महीना बाद मिलेगा कि अब मिलेगा, और ये बाद में मिलेगा या अब मिलेगा।
क्योंकि वीडियो साहब अपने लाचार है, सरकार सरकार का पोल खुल रहा है कि हमारे नीतीश बाबू का सुशासन या कुशासन, वो आंखों देखिए आपके सामने है, देख मिल रहा है। और क्या कहे, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सुरेश पासवान, शाबाश। एक तो यहाँ पे आते हैं तो कोई काम नहीं होता है, खुद वीडियो साहब नहीं आते हैं, उसके बाद ठंडी में हम लोग को आना पड़ता है, कई आदमी को ठंडी भी लग गई है यहाँ पे दौड़ भरा करते करते। यही चाहूँगा कि यहाँ का जो समस्या है वो जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाए। बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को, देख सकते हैं आप उधर का नजारा, किस आदमी को कितना ठंडी में कितना कोई कष्ट झेल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या दिक्कत होता है? देह में कनकनी को मारे है पैर में, हाँ। पैर हाथ में कनकनी मारे दिक्कत है। चार गो हम लाइली बात पढ़ने दी है। क्या बोलते हैं? क्या बोलता है सर, कनकनी सोचते थे ठंडा में पैर में आबा है को दिक्कत नहीं बउआ, पानि हेल कर जाइ छी अबै छी, वएह के दिक्कत है। कते दिन से अभी राशन ले ले? छह महीना से आबै छी, हाँ। राशन कार्ड नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कल के अगला शुक्र के पन एक महीना, अच्छा एक महीना में कहल के ना आबै जाब केना दई के कि नहीं दे सर। पानी के वजह से पता नहीं क्या वहाँ पे गए तो बोल रहे वीडियो सर नहीं आया, कैसे काम होगा। और राशन कार्ड के लिए आजकल लड़के डेली बुलाते हैं, जो शुक्रवार को मिल जाएगा। अप्लाई के लिए पूछते तो बोलते अगला अगला अगला, पता नहीं कौन सा अगला करेगा। और यहाँ पदाधिकारी लोग नहीं रहते हैं? यहाँ अधिकारी लोग रहते हैं, बोलते हैं वीडियो सर के पास जाइए कोई काम हो तो, वो बोलते हैं पानी की वजह से नहीं आया। अधिकारी लोग से पूछे सर आया ही नहीं है तो बोलते बंद है, वो खुलते हैं 11 बजे 11:30 बजे। कोई आवासी लेना हो तो लेट हुआ तो नहीं मिलेगा, और दो दिन एक दिन टाइम पर आए तो वो भी नहीं मिलता है। अभी पानी को लेकर के क्या समस्या? पानी डेली हिल के जाते हैं, अगर बाई चांस आते हैं हम तो पानी जाना ना ठीक लगते ही नहीं है बिल्कुल, उस दिन गिर गए थे हम आते आते। क्या उम्मीद करते हैं कि ऐसे पदाधिकारी रहने से जो है क्या फायदा होगा? जब हमें कोई सुविधा ही नहीं मिलेगा गरीब आदमी को तो फायदा क्या होगा? ये है ना सर, उधर जाएंगे किसान भवन दिस और उधर पानी है कमर के पास। बस सर, क्या नाम? शत्रुघ्न। क्या दिक्कत क्या हो रही है? यहाँ आए हैं पानी में जाना पड़ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? राशन कार्ड ले आयल छले, राशन कार्ड नहीं दे। की कहे? कहे आयल नहीं। कौन नहीं आयल है? राशन कार्ड बन कर नहीं आयल। और यहाँ आने में क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ पानी है, पानी की दिक्कत है। क्या कब से दिक्कत, ये समस्या से क्या झेल, परेशानी क्या हो रही है? 3 महीना से। हाँ, क्या परेशानी होती है आप लोग को? आने में दिक्कत है, हाँ। ये बताइए कि पानी में आए हैं, क्या समस्या हो रही है आपको? हमको कुछ नहीं समस्या, हम बच्चा को आधार कार्ड बनाने आया है। पानी में आए हैं, दिक्कत हो रही है? दिक्कत पानी में आए तो बहुत दिक्कत हो रहा है, हाँ। दिक्कत क्या? नहीं होगा ऐसा, ये ब्लॉक है, ये तो कचरा ब्लॉक है। अब क्या हो रही है, मतलब उसमें दिक्कत है, डर बना रहता है, क्या डर बना रहता है आप लोगों को? डर तो कोई चीज का बना नहीं रहा है, गिर जाएंगे तो? गिरेगा तो हाथ पर तो टूट जाएगा, तो रोड नहीं बनाएगा सही से, ढंग से नहीं बनाएगा तो क्या दिक्कत नहीं होगा? जब यहाँ का मुख्यालय का ये हाल है तो पंचायत का क्या हाल होगा? बहुत बुरा। क्या कहेंगे पदाधिकारी को? क्या कहेगी, यही कहेगा कि सुरक्षा करिए, पब्लिक को स्वस्थ बनाइए। की कहबे की तऽ पानी लागल छै, तकलीफ उठबे पड़ै छै, कहुना कपड़ा तर दे समेट के एनाइ गेनाइ, ईटा में ठेस लगनाइ, रोड़ा रोड़ी रहै छै रास्ता में। कहै छथिन जे नाला बनै छै, नाला जब चालू भऽ जेतै तभी पानि कमत, तनि कम तऽ करैके चाही ने एकर इंतजाम। देखिए ऑफिस तफिस सब बंद रहै छै, वीडियो साहब भी नहि अबै छथिन, ओहि सबके चलते पढ़ेला बस 10 मिनट में चले गए। ऐसे क्या भर रहा है मैंने जो काम रहित में लोग नहीं आ सके है ब्लॉक में। पंचायत पंचायत के हाल बहुत गड़बड़ है, मैंने मेन रोड पर जाए में बैठो ना पानी हिल के जाए पड़े दोनों, बहुत दिक्कत के सामना करे पड़े। गाड़ी वाला साल छड़छड़ा के पानी पड़ा दिल देह पर,